नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं समग्र शिक्षा बारा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी छिपा बड़ोद के आदेश मार्गदर्शन में त्रिवेणी धाम सम्मेल पर 19 से 24 दिसंबर तक ब्लॉक स्तरीय 6 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन हुआ और समापन शिविर मीडिया प्रभारी शंकरलाल नागर ने शिविर स्थल से शिविर प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा के हवाले से बताया कि पिछले 6 दिनों से त्रिवेणी धाम सम्मेल छिपा बड़ोद में चला आ रहा गैर आवासीय आत्मरक्षा शिविर का सादा समारोह आयोजित कर शुक्रवार को समापन किया गया। 6 दिनों तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार दक्ष प्रशिक्षकों ने राजस्थान सरकार की मंशानुसार किशोरी बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक के 93 संभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। शर्मा के अनुसार शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुर सहित प्रतिदिन अपनी स्वशक्ति के आत्मविश्वास को योग और मार्शल आर्ट कराटे के प्रशिक्षण से जगाने के बारे में बताया गया। समापन पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि सम्मेल धाम के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बाठला, कार्यक्रम का संचालन हेमंत शर्मा द्वारा किया गया। शिविर की ओर से मंचासीन अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। समापन कार्यक्रम में दक्ष प्रशिक्षक लीला मेहरा, संगीता गौतम, करिश्मा मालव, सुमन शर्मा को शिविर प्रशिक्षण में अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर प्रभारी शर्मा ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार कर शिविर में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का जो संचालन किया गया 19/12/2021 से लेकर के 24/12/2021 तक इस प्रशिक्षण में संभागियों की संख्या लगभग जो है 96 रही। महिला अध्यापिकाओं की संख्या ज्यादा थी। महिला अध्यापिकाओं की संख्या ज्यादा रखने का सर्व उद्देश्य सरकार का यही है कि विद्यालयों में जाकर के ये महिलाएं उन बच्चियों के साथ जमीनी स्तर पर या धरातल पर अपना काम करवा सकें या उन बच्चियों की आवाज़ बुलंद करवा सकें कि किस प्रकार से उन बच्चियों में जो खोप आता है, दरिंदगी की कई बार बच्चियां शिकार हो जाती हैं, उन सब चीज़ों से बच्चों को बोलना सिखाया जाए या उन बच्चियों की आवाज़ बुलंद करवाई जाए कि किस तरीके से बेटा अपने ऊपर कोई अटैक हो जाता है या किसी प्रकार से अपने सामने कोई आता है तो उसका डर जो है वो किस प्रकार से दूर भगा सकते हैं। तो ये जो दक्ष प्रशिक्षिकाओं के द्वारा ये सारे जो प्रशिक्षण में जो बिंदु रखे गए उन सब से उन बच्चों को जो है विद्यालय में जाकर के हमें प्रशिक्षित करवाना है। इन सहभागियों ने इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया। गैर आवासीय प्रशिक्षण इसमें हमने बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, बालिकाओं को जो मानवीय तत्व हैं उनसे रक्षा करने के लिए बालिकाओं के लिए हमने बहुत सारे गुण बताए, जैसे आवाज़ बुलंद करने के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए कहा, डरना इसके लिए प्रेरित किया और हैंड मूवमेंट, बहुत सारे हैंड मूवमेंट। कितने संभागियों ने इसमें भाग लिया? 93 संभागियों ने इसमें भाग लिया। जो आप जितने बता रहे हो ये हर साल ये आते हैं कि इससे आगे पीछे नहीं ज़्यादा भी आ जाते हैं। कभी इस बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें यही कॉम्पिटिशन होता है कि महिला नहीं ज़्यादा है, महिला को सिखाना है, बच्चों को सिखाने के लिए बालिकाओं तक जो है। ये रानी लक्ष्मी आई, 6 दिन का हमारा आत्मरक्षा का टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है हमारे मास्टर ट्रेनर के माध्यम से। उनका उद्देश्य ये कि विद्यालय में जो छात्राएं हैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि कभी भी ऐसी व्यक्ति आए ऐसा उनके ऊपर कोई ऐसा कोई आक्रमण करे तो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। या हर विद्यालय में सरकार ने लागू कर रखा है और इसके उद्देश्य से ही हम प्रत्येक विद्यालय से एक टीचर, पहले महिला टीचर को हम प्राथमिकता देते हैं, यदि नहीं है तो सारी टीचर को प्राथमिकता देते हैं जो जिसके माध्यम से हम बच्चों को ये ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि प्रत्येक बच्चे इस प्रशिक्षण से
को लेके